नमस्कार, मैं हूं पिंकी। न्यूज़ फॉर सोशल में आपका स्वागत है। आइए नजर डाल दें एक खास खबर पर। उन्नाव रेप केस के मामले को लगभग सभी लोग बखूबी जानते होंगे कि किस तरह से इस केस में सभी गवाहों को एक एक करके खत्म कर दिया गया था और जिसके बाद इस मामले पर सीबीआई की जांच की गई। फिलहाल उन्नाव रेप केस में पीड़िता और उसके परिवार वालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के हाईकोर्ट ने खास संवेदनशीलता दिखाई है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से जवाब भी मांगा है। उन्नाव रेप केस पीड़िता का इलाज दिल्ली के एम्स में हो रहा है, लेकिन पीड़िता के परिवार वाले अभी भी उत्तर प्रदेश में ही हैं। ऐसे में पीड़िता के परिवार वालों की जान के खतरे को लेकर मामले की सुनवाई की जा रही है। वहीं 30,000 कोर्ट के जज धर्मेश शर्मा ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है, साथ ही एक सप्ताह के अंदर इस पर रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है। दिल्ली 30,000 कोर्ट ने पूछा है कि पीड़िता और उसके परिवार को किसी सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित करने के लिए यूपी सरकार द्वारा क्या व्यवस्था किए जा सकते हैं। पीड़िता और उसके परिवार वालों को उत्तर प्रदेश या किसी पड़ोसी राज्य में किसी सुरक्षित जगह पर रखा जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि उन्हें वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराया जाए। यूपी के चीफ सेक्रेटरी को इन तमाम सवालों के जवाब अगली सुनवाई में कोर्ट में दाखिल करने को कहा गया है। हाल ही में उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने अपना बयान कोर्ट में दर्ज करा दिया है। बता दें कि इस पीड़िता का बयान एम्स में जज के सामने ही रिकॉर्ड किया गया है। इस मामले की सुनवाई को मीडिया से दूर रखा गया है। इतना ही नहीं, इस मामले से संबंधित बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सहित बाकी सभी आरोपियों को तिहाड़ जेल में भेज दिया गया है। इस केस में इन्वेस्टिगेशन अफसर ने कोर्ट में कहा है कि पीड़िता के परिवार वालों की जान खतरे में है। इसी दौरान ही जज ने इस मामले पर चीफ सेक्रेटरी से जवाब मांगा है। कोर्ट हर हाल में पीड़िता के परिवार वालों की जान बचाना चाहती है, क्योंकि पीड़िता अपने परिवार के कुछ सदस्यों को खो चुकी है और वो खुद मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रही है। फिलहाल इस मामले की सुनवाई 24 सितंबर को होनी है। जो सरकार लड़कियों की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे करती है, उन्हीं के बीच में से कई ऐसे नेता देश की बेटियों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है, जब देश को चलाने वाले ही ऐसा काम कर रहे हैं, तो क्या लड़कियां सचमुच में ही सुरक्षित हैं? इस खबर में इतना ही। न्यूज़ फॉर सोशल की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।